हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पैनल बॉक्स। मैं हूं राजा सरोज सोहेब और आज हम बात करने जा रहे हैं टेनिस के बारे में। टेनिस, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इंटरनेशनली काफ़ी रिकग्नाइज स्पोर्ट है और दुनिया भर में बहुत सारे एथलीट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं टेनिस के अंदर। टेनिस की ऑल दो पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों के अंदर हमने देखा है कि एक डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, ना सिर्फ जो एथलीट्स हैं उनके नंबर के अंदर बल्कि जो रिसोर्सेज मौजूद हैं इस स्पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए उनके अंदर। पिछले चंद सालों के अंदर कुछ नाम हमारे सामने इस तरह आए हैं पाकिस्तान से जिन्होंने इंटरनेशनली अपना नाम काफ़ी बनवाया है, जिसमें इसामुल हक जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 2010 के अंदर उन्होंने डबल्स US ओपन के अंदर जो है वो फाइनल तक वो पहुँचे और उसके बाद जो डबल मिक्स था उसके अंदर भी वो US ओपन के अंदर ही फाइनल तक पहुंचे। इसके अलावा अकील खान इस वक्त पाकिस्तान के नंबर वन प्लेयर भी हैं और साथ ही एक नेशनल चैंपियन भी हैं और उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें जो हैं वो वाबस्ता हैं कि इंटरनेशनली जो है वो इस स्पोर्ट को पाकिस्तान के तौर पर जाकर रिप्रेजेंट करेंगे और अपना एक नाम जो है और पाकिस्तान का जो नाम है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर टेनिस से रिलेटेड जो है वो उजागर करेंगे। आज हम इस बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं कि ये जो एक टेनिस क्लब यहाँ पे मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैच भी एक जारी है और मेरे आगे भी एक मैच चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या आपको ये लोग जो हैं वो एक लार्ज स्केल पर नज़र आते हैं पाकिस्तान के अंदर या नहीं। हमने देखा है कि क्रिकेट हो या फुटबॉल हो उसके बारे में लोगों के अंदर फिर भी आगाही मौजूद है और इस तरह के फिर भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके बारे में लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगाही होती है, लेकिन टेनिस के बारे में क्यों लोगों को इतना पता नहीं है और क्यों गवर्नमेंट लेवल या सोसाइटी के लेवल पर लोग इसे आकर सपोर्ट नहीं करते। हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे इन प्लेयर्स से भी जो कि इंथुजियास्टिकली इस वक्त भी खेल रहे हैं और उनकी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान से भी कोई एक ऐसा नाम जो है वो सामने नज़र आएगा आने वाले सालों के अंदर, और पहले भी आ चुके हैं काफ़ी सारे, लेकिन आने वाले सालों के अंदर कोई एक ऐसा नाम नज़र आएगा जो कि हमें इंटरनेशनली जो टॉप 10 रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल एथलीट्स हैं टेनिस के उनके अंदर पहुँचा सके। सबसे जो अजीब बात ये है कि टेनिस इंटरनेशनली काफ़ी एक रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट है और उसके बावजूद पाकिस्तान में एथलीट्स को इस तरीके से सपोर्ट नहीं फराहम किया जाता। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो भी इस बारे में बात करते हैं कि वो पाकिस्तान आकर इवन इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और वो खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एथलीट्स हैं उनको उस तरीके से स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती, उनकी सोसाइटी की तरफ से सपोर्ट नहीं होता, बचपन से स्कूल लेवल पर टेनिस को इस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता जिसकी वजह से वो आगे जाकर स्पोर्ट में इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहते। और इस एपिसोड के थ्रू हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस स्पोर्ट को ना सिर्फ प्रमोट करें बल्कि आपके सामने जो प्लेयर्स इस वक्त ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, जो डेली अपने यू नो रूटीन के अंदर इसको एज एन एक्टिविटी खेलते हैं, हम उनसे जाकर बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या वो वजूहत हैं कि अभी तक पाकिस्तान में इस स्पोर्ट को इस तरीके से प्रमोट नहीं किया जा रहा और किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ सलीम अब्बासी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आप गेम खेल रहे थे और हमने अभी आपने वक्त निकाला है हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा आपका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है? मैं हेल्थ रिसर्च से बिलोंग करता हूँ। आई एम अ रिसर्च ऑफिसर इन वन ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। आई एम रिलेटेड टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यू कैन से। वंडरफुल। सो हाउ डू यू टेक आउट द टाइम टू यू नो कम ओवर हियर? आप रोज़ाना क्या इवनिंग के अंदर ही आते हैं और कितने अरसे से आप जो है इस एक्टिविटी को अपनी रूटीन के अंदर इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं? मैं बिगिनिंग से ही जो है वो फिजिक कॉन्शियस पर्सन हूँ, यू कैन से फिटनेस कॉन्शियस, और इस वजह से मैं कुछ ना कोई स्पोर्ट्स जो है वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हूँ। व्हाई डिड यू पिक टेनिस? इट इज़ अ बिट मोर यू कैन से टफ गेम। इसमें जो है वो आपको एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी करने का मौका मिलता है। यू कैन से दैट वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स हैं, टफ है, यस, फिजिकली क्वाइट जो है वो नॉट ओनली इंटरेस्टिंग है बट फिजिकल फिटनेस रिक्वायर करती है काफ़ी। तो सर एक क्लीशे पाकिस्तान में हमेशा से ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं या इवन आप फिटनेस एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आप क्रिकेट या फुटबॉल या इस तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे। आपकी ये जो चॉइस है ये काफ़ी डिफरेंट भी है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे भी टेनिस को इस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता। आपके ख्याल में क्या वो मौके मौजूद हैं यहाँ पे प्लेयर्स के लिए कि वो अगर इधर आके मेहनत करते हैं, अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो आगे जा सकते हैं?
बिल्कुल, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है. हमारे पास इस्लामाबाद टेनिस एसोसिएशन की जो है वो अकेडमीज़ मौजूद हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद टेनिस कॉम्प्लेक्स की जो है फैसिलिटीज मौजूद हैं. इसके अलावा CDA ने काफ़ी सारी सहूलतें बनाई हैं. इट्स जस्ट के अप्रोच हमारी कम्युनिटी की उस तरह से नहीं है. हम लोग उस तरह से अवेयर नहीं कर रहे लोगों को, और लोग जो हैं वो यू कैन से के अदर देन फिज़िकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा वो करते हैं. मैं तो ये कहूँगा कि एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, किसी भी जो है वो इंसान के लिए. और हमारे यहाँ जो है वो कम्यूनिटी को मैं देख रहा हूँ कि वो जो है वो स्क्रीन एडिक्ट ज़्यादा होती जा रही है, और उनको जो है वो यू कैन से कि लेयरली रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं. तो मेरी जो है वो सॉर्ट ऑफ स्केजुलिंग होती है, मैं चाहता हूँ कि उसमें से थोड़ा सा टाइम जो है वो टेनिस के लिए निकालूँ. अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमारे यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं, इनको जो है मज़ीद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है. और जो कम्यूनिटी की अप्रोच है टूवर्ड्स टेनिस वो बढ़ाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है. Wonderful. Thank you so much for talking to us. And I hope कि सर जिस तरीके से आप यहाँ पे खेल रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, इसी तरीके से आप अपनी जो इर्द गिर्द सोसाइटी में लोग हैं उनको भी अवेयर कर सकेंगे स्पोर्ट्स के बारे में. थैंक यू. मेरे साथ इस वक्त एक और प्लेयर मौजूद हैं, ज़ाकिब रहीम साहब. काफ़ी टंग ट्विस्टिंग नाम है आपका, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपका प्रोफेशन क्या है और किस तरीके से आप टाइम निकालते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर टेनिस खेलने के लिए. मेरा प्रोफेशन बेसिकली एनजीओज में जॉब करता हूँ, और टेनिस के लिए ज़ाहरी बात है एनजीओ से जैसे ही फारिग होता हूँ तो यहाँ पे आ जाता हूँ और टेनिस खेलता हूँ बड़े. इसके लिए आपको लाइक एक प्रायोरिटी अपनी ज़िंदगी में बनाना बहुत ज़रूरी होगा इसको, राइट? और वो कैसे बनती है, क्या माइंडसेट होता है, किस तरीके से आप हिम्मत करते हैं और इतनी यू नो टफ रूटीन के बाद भी आकर आप खेलते हैं? बेसिकली टेनिस मेरा शौक है, साथ साथ मैंने उसको टाइम दिया बचपन से, और अब मेरे लिए टेनिस छोड़ना ऐसे ही है कि मैंने कुछ भी नहीं करा. तो आप कितने सालों से खेल रहे हैं? फ्रॉम माई चाइल्डहुड. वंडरफुल. और तब से अब तक आपने पाकिस्तान में जो ओवरऑल टेनिस की सिचुएशन है उसको किस तरीके से ग्रो होते हुए देखा है? क्या आपको लग रहा है चीज़ें बेहतर हो रही हैं? बेसिकली ग्रो हो रही हैं, लेकिन बहुत स्लो है. उनकी इतनी स्पीड नहीं है जितना हम चाहते हैं कि उसे. और टेनिस बहुत अच्छी है, अगर हमारे लोगों में पोटेंशियल भी है और वो इसमें आना भी चाहते हैं. थोड़ा एक्सपेंसिव है जिसकी वजह से लोग वो करते हैं, टाइम नहीं दे पाते. लेकिन अगर वो आए टेनिस की तरफ तो मेरा नहीं ख्याल कि टेनिस में वो अपना नाम नहीं बना सकते इजीली. और पाकिस्तान की जो इस वक्त इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन सा, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पोटेंशियल है वो हमें इंटरनेशनली जाकर यू नो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारा नाम बना सकते हैं? मे बी आप ऐसा मुल्क से वाकिफ़ होंगे, बहुत अच्छी गेम खेलता है इंटरनेशनल, हर जगह पर रिप्रेजेंट कर रहा है अपना, स्वीडन हो या कहीं भी अपना कर रहा है. लेकिन बाकी इतना आ नहीं रहे, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि वो चीज़ हम अभी पैदा कर नहीं रहे, क्योंकि लोग एक तो जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंसिव है तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं. अगर इस चीज़ को थोड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेवल जो नेशनल लेवल गेम हो टेनिस, ज़्यादा मैचेस हों, तो मैं समझता हूँ कि आएंगे एंट्रीज, आएंगे लोग, आएंगे वो हमें आगे तक लेके जाएंगे. अच्छा, अभी आई थिंक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पिक करें कि यहाँ पे लोगों के अंदर भी उस तरीके से इंटरेस्ट मौजूद नहीं है जिस तरह क्रिकेट और बाकी स्पोर्ट्स की तरफ है. यूजली लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से रिसोर्सेज जो हैं वो भी मौजूद नहीं है, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी होता है कि एक गेम है फेमस होगी तो लोग भागते हैं उसकी तरफ. तो टेनिस को इतना प्रमोट किया नहीं गया. अगर टेनिस को प्रमोट करेंगे तो लोग ज़रूर खेलेंगे, और पोटेंशियल है, मैं इतना आई एम श्योर पोटेंशियल है, लोग आगे जा सकते हैं. वंडरफुल. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. थैंक यू सो मच. इस वक्त मेरे साथ इंटरनेशनल टेनिस कोच महबूब खान साहब मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ इंटरनेशनल टेनिस कोच हैं बल्कि इसके अलावा 1994 के अंदर साउथ एशिया के अंदर पहले रिकग्नाइज टेनिस कोच थे बाय PTR. सो इट्स आई थिंक अ वंडरफुल अचीवमेंट एंड एन ऑनर फॉर अस टू टॉक टू यू राइट नाउ. सर सबसे पहले मुझे बताइएगा कितने साल से आप इन्वॉल्व हैं टेनिस के अंदर, और किस तरीके से आपने पिछले सालों के अंदर टेनिस को ग्रो होते हुए देखा है, बेहतर होते हुए या बुरा होते हुए, जो भी आपका ओपिनियन है? टेनिस में मैं इन्वॉल्व हूँ एज कोचिंग में फॉर द लास्ट 39 years. आई हैव बीन कोचिंग एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, बोथ लेवल पे मैंने कोच किया. पाकिस्तान के अंदर भी कोच किया है, पाकिस्तान के बाहर भी किया है, और कई मैंने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स और चैम्पियंस
फेड कप प्लेयर्स और डेविस कप प्लेयर जो है मैंने प्रोड्यूस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले आप एज ए प्लेयर भी खेलते रहे, राइट? प्लेयर भी बिल्कुल, ऑब्वियसली आई हैव बीन प्लेइंग एज ए प्लेयर आल्सो, एज ए सीनियर प्लेयर आल्सो, मुख्तलिफ लेवल पे मैं खेलता रहा। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है और जिस तरीके से हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो एक डिक्लाइन होता हुआ टेनिस के अंदर नज़र आ रहा है, जिस तरह बाकी स्पोर्ट्स को तरजीह दी जाती है, जिस तरह क्रिकेट है, टेनिस को इस तरीके से नहीं दी जाती, लेकिन उसके बावजूद कुछ इंटरनेशनल नाम हमारे सामने, आपके जो अपने यू नो आपके अपने जो बेटी हैं उनने भी अपना नाम बनवाया है टेनिस के अंदर, उसके अलावा इसाम उल हक हैं, अकील खान हैं और इस तरह के इंटरनेशनली रिकग्नाइज प्लेयर्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर रिसोर्सेज को बेहतर बनाया जाए और आपके जैसे लोगों को और इन्वॉल्व करके लोगों को ट्रेन किया जाए तो क्या स्पोर्ट्स के अंदर बेहतरी लाई जा सकती है? डेफिनेटली लाई जा सकती है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज़ ए स्पोर्टी प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान साहब हैं, खुद जो है वर्ल्ड कप जीते हैं 92 में, आपको पता है, और शायद आपको ये नहीं पता कि वो टेनिस भी खेलते हैं। ही हैज़ टेकन सम लेसन्स फ्रॉम मी, बल्कि उसके दोनों बेटे कासिम एंड सुलेमान, उन्होंने वो भी मेरे से लेसन लेते रहे हैं। हाउ वाज ही एज अ टेनिस प्लेयर, कैन यू टेल अस अबाउट दैट? ही इज वेरी पैशनेट, आई मीन अगर वो खेलते रहते हैं ना तो मैं सरप्राइज कि वुड हैव प्लेड एट वेरी गुड क्लब लेवल। यूजली हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, उसके साथ एफिलिएटेड जो लोग हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन जो होती है वो उस तरीके से नहीं होती, चाहे वो अपनी फील्ड के अंदर हो या वैसे भी वो अपनी स्टडीज़ को निगलेक्ट करते हैं और एक्सपीरियंस के थ्रू आगे आते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के चंद ऐसे लोग शामिल हैं जिनमें अभी एक जो मेरे सामने साहब हैं वो मौजूद हैं, जिनका नाम जो है वो खुद बताएंगे। सर आपका नाम क्या है? कामरान खलील। सर आप एक कोच हैं, आप काफ़ी अर्से से टेनिस के साथ एसोसिएटेड हैं, मुझे सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा, कब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ टेनिस के अंदर? जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब चूँकि नेशनल टीम में कोच थे, तो उस टाइम से टेनिस जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, रोज़ कोर्ट में आना खेलना, फिर साथ साथ आई स्टार्टेड ट्रेनिंग आल्सो, फिर मैं जूनियर नंबर वन भी रहा हूँ, पाकिस्तान नंबर वन, एंड देन फिर आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ टूवर्ड्स कोचिंग साइड एंड आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन एज वेल, along with I'm also certified from ITF as level 3 coach. So why did you decide to opt for coaching? jahan pe hum dekhte hain ki pakistan ke andar log jo hai unka rujhan zyada player banne pe hota hai kyunki wo limelight bhi aapko deta hai, aapne coaching kyun decide ki ki aap isko as a profession lena chahte hain? Actually mujhe kuch physical issues the, mere kuch ligament fracture ho gaye the at my prime and that took a long time to recover. तो टेनिस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना स्पैन नहीं होता कि आप रिकवर करके वापस आ सके, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस एंड अनदर थिंग वाज अपॉर्चुनिटीज़ भी एक वजह थी, जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक है और जिस गेम में हम हैं, ये गेम बड़ी इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड गेम है और हाईली डिमांडिंग गेम है, सो जब आपको जब आप कम्पीट करते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू कम एट अनदर लेवल तो आपको इन्वेस्ट बहुत करना होता है, आपको कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करना होता है, आपको हर हफ्ते वेन्यूज चेंज करने होते हैं, बहुत ट्रेनिंग्स बहुत करनी पड़ती है, तो जो हमारा लोकल सिस्टम है वो इतना डेवलप नहीं है कि वो प्लेयर्स को ग्रूम कर सके। सो दो तरह के लोग खेलते हैं पाकिस्तान में, अगर आप देखें, एक तो हाई क्लास खेलते हैं दोज हु कैन अफोर्ड द गेम, और सेकेंडली जो है वो कोचेस के बच्चे बहुत ज़्यादा टेनिस में हैं, इन दरमियान का जो तबका है दे आर बीइंग मिस्ड। और सर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उस तरीके से प्रोवाइड नहीं की जा रही, जो कि नज़र भी आता है कि नहीं है, या इवन एक सोसाइटी के अंदर इंटरेस्ट लेवल उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ? देखिए इसकी दो तीन वजूहत हैं, पहली वजह तो ये है कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है हमारे प्रोग्राम्स, अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान में, जितनी भी गेम्स हो रही हैं वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वो उनको कोई आपका प्रोविंशियल लेवल नहीं है, कोई क्लब कंपटीशंस नहीं है, कोई आपके नेशनल कंपटीशंस नहीं है, वो एक गैप है जहाँ प्लेयर स्लोली ग्रेजुअली अपग्रेड होता होता है। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम है, एक तरीकाकार है, प्लेयर 30 साल की उम्र में आता है, उनका प्लेयर कभी 18-19 साल में नहीं आता, 30 साल में आता है, बट वो खेल खेल के एक प्रोसेस से गुजर के आता है, दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग एंड दे आर एट द टॉप। तो आप इंडिया में देख लें, उनका भी अब एक क्लब क्रिकेट सिस्टम जो है बड़ा अच्छा चल रहा है, और टेनिस में जो है वो चूँकि गेम बहुत महंगी है, फेडरेशन इतनी रिच नहीं है और सपोर्ट भी नहीं है हमें गवर्नमेंट की तरफ से,
تو جو پاکستان ٹینس فیڈریشن ایٹ دیئر اون جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے اسپانسرشپس کے لیے, بٹ اٹ از ناٹ انف ٹو میک ٹینس ایز اسٹرکچرڈ, یو نو, بیکاز لائک یو سیڈ اٹس این انٹرنیشنل گیم, آپ نے کمپیٹ آخر میں انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ کرنا ہے, اور جب ان کے پاس اتنی ریسورسز موجود ہیں تو کیسے کر پائیں گے؟ آپ کے خیال میں کیا آپ سجیشن دینا چاہیں گے اس وقت جو انتظامیہ ہے یا جو گورنمنٹ ہے جو اس وقت دیکھ رہی ہے اسپورٹس کو پاکستان میں, ان کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشن ہے, کس طریقے سے سچویشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, دو سیکرٹس ٹینس میں, دو سیکرٹس ہیں جو کہ سکسیس کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. ایک سیکرٹ ہے پارٹیسپیشن, دوسرا سیکرٹ جو ہے وہ ہے کوچز ایجوکیشن. ان دو اگر سیکٹرز پہ کام کیا جائے, ایک طرف سے پارٹیسپیشن کو بڑھایا جائے, اور پارٹیسپیشن صرف بڑھ سکتی ہے آپ کے اسکول پروگرام کے ذریعے, آپ کتنے اسکولس کے بچوں کو انوالو کر سکتے ہیں, آپ کتنے اسکولس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو سکتے ہیں, کن کو کتنے اسکولس کو آپ کلب میں لا سکتے ہیں, اور آپ وہ کیا چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے وہ اٹریکٹ ہوں ان ٹرمز آف ایزی ایکسیس ٹو دا کلبس, ٹھیک ہے نا. اور آپ ڈفرینٹ ایونٹس آپ جا کے اسکولس میں کروائیں تو ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. سو یو برنگ مور کڈس ان ٹو دا اسپورٹ, دیر ول بی مور پاسبلٹیز ٹو ہیو چیمپئنس. All right, so with this we've come to the end of today's show. یہ پہلا پارٹ تھا, کل ہم آپ سے پھر سے ملیں گے پارٹ 2 کے اندر, اور کل ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ بھی ہوں گی جو کہ پاکستان کی لیے باعث فخر ہیں انٹرنیشنلی, اور بہت سارا نام جو ہے انہیں کمایا ٹینس کی دنیا کے اندر ہی. سو ہو دیٹ پرسن از ٹو فائنڈ آؤٹ, یو ویل ہیو ٹو اسٹے ٹیون ٹو پینل باکس اینڈ سٹی 2. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر, لائک, سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن.